तो कैसे हैं आप लोग? आखिरकार फाइनली 1000 हो ही गए भाई। बहुत टाइम लग गया कसम से, लेकिन हो गए यार। यार सही बताऊं, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया ना यार, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे यार, तुम्हारे बच्चे बड़े हो, फूलो फलो यार। भाई जो जिंदगी के साथ करना है वो करो यार। कल रात को मुझे YouTube से एक नोटिफिकेशन आया कि मेरे अकाउंट में 3 स्ट्राइक लग चुके हैं और मेरा चैनल 7 दिन के अंदर अंदर बैन हो जाएगा, यानी अगले वेडनेसडे तक खत्म। 2014 में मैं सीरियस हुआ थोड़ा YouTube को लेके, तब मेरे को लगा यार हाँ यार, ये काफी सही चीज है, इसको करना चाहिए। एंड 24/7 मैं बस यही सोचता था, यूट्यूब। रात को सो जाओ बस सपने आ रहे भाई यूट्यूब के, और किसी चीज के सपने नहीं आ रहे, बस 24 घंटे यूट्यूब ही है। और पता नहीं तब के टाइम पे मैं अपने आप को, पहले मैं बहुत मोटा था, तो तब के टाइम पे मैं अपने आप को पता नहीं हमेशा अज्यूम करता था कि मैं सपने में कि मैं हमेशा पतला रहूंगा और अच्छी बॉडी रहेगी मेरी यूट्यूब में। पता नहीं ऐसा क्यों होता, लेकिन मैं ऐसे इमेजिन करता था। और फाइनली जब 2014 में मैंने इसे सीरियसली लिया, मैंने वो गेम प्ले वीडियोज़ बनाने शुरू किए, गेम प्ले कमेंट्रीज, अपने आप को रिकॉर्ड किया गेम खेलते हुए, चिल्लाते हुए, बहुत सारी चीज़ें की। तो मैंने कंसिस्टेंटली 2 साल तक लगातार रेगुलर, ऑलमोस्ट रेगुलर अपलोड किए, मतलब ओवर 150 वीडियोस मैंने 2 साल में अपलोड किए थे, जिसमें से जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं बस चलो भाई वीडियो बनाते हैं, और उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था बिल्कुल नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स 50 व्यूज थे और मेरे 150 को सब्सक्राइबर्स थे 2 साल के अंदर। फिर डिमोटिवेटिंग तो ऑब्वियसली था, लेकिन फिर एक तरह से एक फीलिंग आती है ना कि यार पता है नहीं हूँ मैं, लेकिन चलो करते हैं, क्या जा रहा है, शायद हो जाए। फिर 2 साल बाद फाइनली थोड़ा एक्सपोजर मिला, थोड़ी अटेंशन मिली, और जब मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हुए मैंने अपना जो रेगुलर स्कूल है उससे ड्रॉप आउट मारा और ओपन स्कूल को परसू किया, और यूट्यूब मैंने फिर फुल टाइम चालू कर दिया। अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो, अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो, ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी रिस्पॉन्स आया मैंने अपना पूरा दे दिया था, बाकी यार अब नहीं चला तो नहीं चला, आगे बढ़ो। हैपेंस, प्लीज चीजें ना एक्सपीरियंस करो, जितना तुम एक्सपीरियंस करोगे ना तुम उतना ग्रो करोगे, चाहे तुम्हारी कोई भी फील्ड हो, लिटरली कोई भी फील्ड हो, बस एक्सपीरियंस करो यार चीज़ें। कभी भी किसी चीज़ के लिए ऐसे ना मत बोलो कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये नहीं कर रही, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। अगर वो चीज़ बुरी भी जाती है ना तो यार तुम 10-5 साल बाद उसको याद करोगे और हंसोगे यार, कितने मज़े आएंगे। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट पहले हुआ हुआ जिसके अंदर मैं बहुत ही बेवकूफ़ लग रहा हूँ, तो मैं अब सोचता हूँ अरे यार क्या दिन थे वो, उसमें बड़े मज़े आते हैं। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करो यार, कुछ यू नो कुछ बाहर आ जाए ऐसा जो तुम्हारी लाइफ ही बदल देगा।